मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज झबुआ के देवझिरी गांव में मुख्यमंत्री जनसेवा अभियान के तहत आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा लिया। आयोजित कार्यक्रम को सीएम शिवराज ने संबोधित किया और कहा कि जिन गरीबों के पास रहने की जमीन नहीं है, उन्हें मुख्यमंत्री आवासीय भू अधिकार योजना अंतर्गत पट्टा देकर भूखंड का मालिक बनाऊंगा। जिन बच्चों ने 12वीं की परीक्षा में 75% से ज्यादा अंक प्राप्त किए हैं, चाहे वह अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग ओबीसी या सामान्य वर्ग के हों, मामा सबके खाते में 25,000। उन्होंने कहा कि मेरा आप सबसे निवेदन है कि भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों को अपना आशीर्वाद देकर भारी मतों से विजयी बनाएं। जो गलबा करेगा उसको मामा नहीं छोड़ेगा किसी भी कीमत पर। बोलो सही बात है कि नहीं? सही बात है। ये जनता का राशन खाने वाले, लोगों को परेशान करने वाले, ये मामा के राज में बचेंगे नहीं, सीधे जेलों में भेजूंगा, जेलों में जांच करवा करवा के। मेरी सरकार है इसलिए कि हम जनता की जिंदगी बदले, और ये सारी व्यवस्थाएं जो हमने बनाई है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अनेकों योजनाएं चला रहे हैं, मुख्यमंत्री के नाते मैं भी अनेकों योजनाएं भोपाल से चला रहे, भारतीय जनता पार्टी की सरकार चला रहे। अब देखिए आम जनता की जो जरूरत है, रोटी कपड़ा मकान पढ़ाई दवाई रोजगार का इंतजाम, ये हमारी ड्यूटी है। और पहली चीज है राशन। हमने तय किया जितने गरीब हैं, अनुसूचित जनजाति आदिवासी भाई बहन है उनको अंत्योदय परिवारों को 35 किलो और बाकी परिवारों को 10 किलो, 5 किलो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना का, 5 किलो मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना का हम भेजते हैं। ये इसलिए भेजते हैं कि गरीब की थाली खाली नहीं रहनी चाहिए। यह अनाज कांग्रेस ने नहीं दिया कभी, ये राशन इसलिए कि गरीब को 2 समय का भोजन ठीक से मिले, गरीब की थाली खाली नहीं रहने दूंगा। ये पार्षद के हमारे उम्मीदवार खड़े, आपके बाद में शिविर लगेगा, अभी से काम पे लग जाओ। और जितने राशन वाले बचे जिनके नाम गरीब और छूट गए, सबके नाम लिखवाओ, मामा के खजाने में गरीबों के खाने के लिए पैसे की कोई कमी नहीं। दूसरी चीज है जरूरी, गरीब के पास मकान होना चाहिए। मेरे प्रिय बहनों और भाइयों, केवल झाबुआ के लिए नहीं करा, बाकी कई गांव के लिए भी करा। कई गरीब ऐसे हैं जिनके एक घर में कई सदस्य रह रहे हैं, तो सुनो झाबुआ वालों, चाहे गांव हो और चाहे शहर हो, एक परिवार परिवार के मतलब पति पत्नी और उसके बच्चे, अगर उनके पास रहने की जमीन का टुकड़ा नहीं है तो फ्री में जमीन का पट्टा देके मालिक बनाऊंगा, रहने की जमीन की व्यवस्था की जाएगी। ये कांग्रेस ने कभी नहीं की, भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी। ये सर्वे भी कर लो, और इसके बाद प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत अभी 84,000 मकान झाबुआ जिले के लिए स्वीकृत हुए, 21,000 पहली किस्त खाते में डाल चुके हैं। झाबुआ शहर में भी लगभग 1400 कुछ मकान हमने प्रधानमंत्री आवास योजना के बनाए। और सुनो मेरे झाबुआ के गरीब बहनों और भाइयों, मध्य प्रदेश की धरती पर कोई गरीब बिना छत के नहीं रहेगा, हर एक का छोटा लेकिन पक्का मकान बनवाया जाएगा। आज मुझे खुशी है कि बड़ी संख्या में बेटियां भी पढ़ रही है और बेटे भी पढ़ रहे हैं। अभी 30 तारीख के दिन जिन बच्चों ने 12वीं की परीक्षा में 75% से ज्यादा नंबर लाए हैं, चाहे वो अनुसूचित जनजाति ट्राइबल बेटा बेटी हो, एससी हो, ओबीसी हो, और चाहे सामान्य वर्ग के हो, मामा सबके खाते में 25,000 रुपया डलवा रहा है। आयुष्मान भारत योजना वाली प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद, कार्ड आयुष्मान बनाए जा रहे हैं। गरीब अगर बीमार हो जाए तो कहां जाए, मध्यम वर्ग की बीमार हो जाए तो, निम्न मध्यम वर्ग की बीमार हो जाए तो कहां जाए। और इसलिए आयुष्मान कार्ड पर 5 लाख रुपए तक का प्राइवेट अस्पताल का इलाज भी फ्री में करवा के दिया जाएगा, ताकि गरीब को भटकना ना पड़े।
मेरे बहनों और भाइयों, जनता के कल्याण की अनेकों योजना है। अभी सीएम जन सेवा अभियान चल रहा है, जगह जगह शिविर लग रहे हैं। झाबुआ में भी मैं कह रहा हूँ, मेरी बहनों को, पार्षद के भाइयों को, कौन कौन के कार्ड नहीं बने आयुष्मान, अभी से लिस्ट बनाओ सबकी, और लिस्ट बना के शिविर आपके वार्ड में लगेगा और वह सबके बनवाओ। कोई शेष नहीं रहना चाहिए। लाड़ी लक्ष्मी जैसी योजना, अभी 8 तारीख को लाड़ी लक्ष्मियों का कार्यक्रम करूंगा। तो कॉलेज में एडमिशन लेंगी तो 12,500 रुपया, डिग्री लेंगी तो फिर 12,500 रुपया, और मेडिकल इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन लेंगी तो भी मामा फीस भरवा के बेटियों को डॉक्टर इंजीनियर बनवाने का काम करेगा, ताकि बढ़ती रहे बेटियां और बढ़ती रहे बेटियां। और इसलिए आज मैं आपसे निवेदन करने आया झाबुआ के मेरे बहनों और भाइयों, बेटे बेटियों, अपने शहर के विकास के लिए और इन योजनाओं को ठीक से लागू करने के लिए आप सब कमल के फूल की बटन दबाएं। भारतीय जनता पार्टी के 18 पार्षद है, 18 के 18 पार्षद भारतीय जनता पार्टी को जिताएं। और अधिक खबरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल दैनिक इंडिया दर्पण को अभी सब्सक्राइब करें, और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।